अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जन्नत हलाल व दोज़ख़ हराम कैफा हालुका। फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह फॉर दी एंड दी बाइकर, बाइकर इधर है, आपको नज़र नहीं आएगा अभी, आप उसका कैमरा व्यू इंजॉय करें। तो आज का जो हमारा व्लॉग है और जो व्लॉग बनाने का जो मकसद है, यानी जो हमारा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक ये है कि रिसेंटली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने बाइक को पानी 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 छिट्टे पाएंगे किड्स। हाउ आर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। थाउजेंड सीसी है, थाउजेंड सीसी। हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, झूले लेने हैं, लेने हैं? आज एंड तक दे देता हूँ, नहीं आराम से चलाऊंगा। पक्की बात है, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। दुआ करो अल्लाह से बेहतर रहेगा आपको। अल्लाह हाफिज। नाइस यार, बच्चा मेरा अच्छा था यार। अच्छा मैं भूल गया यार। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने, आप लोगों ने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा, मैंने अपने बाइक को करवाया था PPF, वो सारा आप लोगों को मैंने दिखाया था। अब वो जो PPF मैंने लगवाया था, अब मैं आप लोगों को उसका वो देखिए चलता वैसे, अब मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दूंगा कि मेरा PPF का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी पहले हम थोड़ा सिटी राइड करेंगे, सिटी राइड करने के बाद इंशाल्लाहुल अज़ीज़ फिर मैं आपको एक स्पेसिफिक जगह पे रोक के बाइक का मैं दिखाऊंगा और साथ बताऊंगा कि ये PPF का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। एक तो मेरा इधर से आने का मकसद वो ये है कि यहाँ थोड़े से अपने रिएक्शन भी बन जाएंगे, क्योंकि हमने अपना इनसाइड 360 लगाया हुआ है, यहाँ से अच्छे रिएक्शन कैप्चर हो सकते हैं। कि अभी हमारा स्टॉक बाइक है, उससे हम अभी थोड़े थोड़े रिएक्शन कैप्चर कर रहा हूँ, मगर इंशाल्लाह एक व्लॉग मैं अपलोड करूँगा उसमें स्टॉक बाइक के ऊपर के लोगों का रिएक्शन कैसे आता है, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मौका दिया, जब एग्जॉस्ट लगेगा, फिर हम उसका रिएक्शन कब बनाएंगे। गर्मी लगती है बट इसलिए वाइजर खोलना पड़ता है हमें। How are you guys? अच्छा, मैं ना आप लोगों को बाइक रोकने से पहले इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आप लोगों ने अगर मेरा पुराना व्लॉग नहीं देखा होगा कि मैंने इसको बाइक को PPF कौन सा करवाया था, कहां से करवाया था और बाइक के किस किस पार्ट पे करवाया मैंने, तो अभी इशारा रेड। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मैंने जो इस पर PPF करवाया था, वो मैंने नैनोटेक का PPF करवाया, और ये USA ब्रांड का है। और उसके अलावा एक मेरे बहुत प्यारे अजीज़ भाई, उनका नाम है जैन भाई, उन्होंने मुझे एक बंदा अवेल करके दिया था, और वो भाई घर पे आके मेरे उन्होंने इधर PPF लगाया बाइक पे। अच्छा, इसकी हमने नोज पे लगाया PPF, दोनों साइड्स पे पूरी नोज हो गई यानी, और हमने इसके इधर लगाया पूरे टैंक पे और इसकी टेल पे, यहाँ हमने PPF लगाया। अब आगे मैं लाइट ढूंढता हूँ, जिधर मुझे लाइट अच्छी मिली वहाँ बाइक रोक के आप लोगों को एक प्रॉपर मैं इसका व्यू दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। ये हमारे फैसलाबाद का खूबसूरत डी ग्राउंड, इधर भी आपके भाई ने बहुत वॉक की हुई है, मज़ा आता है यार ऐसे, फिज़िकल फिटनेस भी होनी चाहिए, बंदा एक्टिव रहता है एक्टिव। आप लोगों को अपना PPF का बताना था। अब जैसे कि मैं आपको अपनी फ्रंट नोज का बताता हूँ, इसके फ्रंट नोज पे PPF लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल माशाल्लाह ठीक लग रहा है, इतना यानी पता ही नहीं लग रहा कि इस पे PPF लगा हुआ है, और पूरी नोज देख ले माशाल्लाह बिल्कुल चमक रही है। अच्छा, इसका मैं आपको ना एक ड्रॉबैक दिखाता हूँ, जो इसकी साइड है
जो इसकी ये वाली साइड है यहाँ से जो पीपीएफ है ये थोड़ा लाइक कह लें कि उतर जाता है। ये तो मैंने पीपीएफ पे भी ऐसा ही होता है, और जो कार स्टिकर्स होते हैं जो अपनी कार को ड्राइव करवाते हैं उनके भी जो एंड्स होते हैं वहां से जरा सुकर जाता होता है स्टिकर, तो इसलिए उतना सही नहीं रहता। तो ये नॉर्मली है क्योंकि पीपीएफ यानी पीपीएफ हर कोई नहीं लगाता बाइक पे, हर कोई डरता है कि इसके कट्स काफी ज्यादा हैं, कट्स काफी ज्यादा होने की वजह से ये पीपीएफ इतना बैठता नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, इसका ये सारा कर्व है टैंक का, तो यहाँ से भी पीपीएफ खुला हुआ है। और जब मैंने पीपीएफ लगाया था, लगाने के बाद एक दिन लेता थोड़ा पीपीएफ सुकरता है, तो यहाँ सारा थोड़ा सा एंड से थोड़ा थोड़ा ना खराब हुआ है पीपीएफ, जैसा कि आप लोग सारा देख सकते हैं। ये टैंक का भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से खराब हुआ है। वो जो बंदा लगा रहा था उसने यहाँ से जो मेरा पीपीएफ है वो थोड़ा खराब कर दिया था, तो ये थोड़ा सा जुगाड़ी काम किया कह सकते हैं। ये आपको मैं सारा दिखाता हूँ, ये टैंक का जो है यहाँ से सारा थोड़ा ना सुखर गया। जैसा कि आप ये टेल का भी देख सकते हैं कि टेल का भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही तरह लगा रहा है। एक्चुअली रास्ते में पानी था तो उसका ये थोड़े निशान लगे हैं कीचड़ के। ये टैंक का मैंने आपको लेफ्ट साइड से तो दिखा दिया, जो मैं राइट साइड से आपको पीपीएफ दिखाना है तो वो ये वाला है कि उसने इसे यहाँ से भी सारा पीपीएफ खराब हो गया था, तो ये भी थोड़ा जुगाड़ी काम उसने किया, मगर मैं इस काम से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोबारा चेंज कराऊं। और माशाल्लाह कार्बन फाइबर देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसके माशाल्लाह दोनों रिम्स भी कार्बन फाइबर के हैं। माशाल्लाह यार बहुत खूबसूरत बाइक है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हर एक फॉलोअर ना ये बाइक अपनी खुद नज़रों से आके देखे तो उसको पता चलेगा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने पीपीएफ मंगवाया था वो मैंने ज़्यादा मंगवाया था, तो पीपीएफ इतना मेरे पास पड़ा कि ये टैंक पे पूरे पे मैं दोबारा लगा सकता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट पे भी ठीक लगा हुआ है पीपीएफ, टेल पे भी ठीक है, बस ये जो टैंक है यहाँ से मैं काफ़ी अनसेटिस्फाई हुआ हूँ, और लगने के बाद थोड़ा ज़्यादा शुक्र है तो मज़ा नहीं आ रहा था इन्हें। इंशाल्लाह मैं ये चेंज करूँगा। बाकी अब आप लोगों ने चार से पाँच चीज़ें करनी है, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल करके दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एक दफ़ा बाइक इंजॉय करें आप देख के इसका थोड़ा व्यू। यार आप खड़े होकर पिक्चर बनवा लेना, पिक्चर बनानी है आपने, खड़े होकर बनवा लेना, बैठ के ना भी बाइक गर्म है तो पहुँच सकते हैं आप। मैं जाते हुए आपको सुनाया था पिक्चर बनवा।